जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृत्तीय गति। आखिर क्या होता है वृत्तीय गति, चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या जानने वाले हैं आज हम लोग जानने वाले हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या होता है वृत्तीय गति? कोई सर्कल के चारों तरफ घूमना, गोल 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 वाला घूमना वृत्तीय गति। मतलब किसी चीज के चारों तरफ गोल 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 घूमना क्या है? वृत्तीय गति। समझ में नहीं आया? देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सूरज है, ये सूरज है। सूरज के चारों तरफ क्या घूमता है? गोल गोल। गोला में क्या घूमता है? पृथ्वी घूमता है। ऐसे करके सूरज के चारों तरफ मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, ये सन है, यहाँ अर्थ है। तो अर्थ पृथ्वी के चारों तरफ गोल 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 गोल, ये क्या है? ये सर्कल है। ये क्या है? ये गोल गोल क्या है? सर्कल है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ गोलाकार में घूमता है। तो इस गोल गोल करके घूमना को क्या कहते हैं? इस गोल गोल करके घूमना को कहते हैं वृत्तीय गति। मतलब किसी चीज के चारों तरफ गोल गोल करके घूमना, ऐसे करके गोल गोल, समझे, उसको कहते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति को हम लोग फाइंड करेंगे एकदम बेहतरीन से। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो चारों तरफ गोल गोल करके घूम रही है, इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? मतलब त्वरण की दिशा क्या होगी? इसमें त्वरण की दिशा क्या होगी? क्योंकि इसमें तो किसी गोलाकार चीज, मान लीजिए ये स्पीड v, इसका स्पीड v है, हर समय इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है हर समय चेंज होगा। अब यहां ये देखिए, अगर यहां है ये, तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी। हर समय इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो त्वरण का डायरेक्शन किधर होगा? त्वरण का हम लोग दिशा हम लोग जानना चाहते हैं, तो त्वरण का आज हम लोग दिशा जानेंगे। इसे अधिकेंद्रीय त्वरण, इसकी हम लोग आज दिशा जानने वाले हैं। चलिए इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्वरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स अधिकेंद्रीय बल के बारे में भी जानेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए सर्कुलर मोशन में हम लोग को क्या करना है? सर्कुलर मोशन को हम लोग को एक सर्कल लेना है, बराबर। हम लोग एक सर्कल ले रहे हैं, बराबर। ये हो गया सर्कल। सर्कल का ये क्या है? ये है सेंटर। सर्कल का ये है सेंटर, ओके। ये सर्कल है, ये सर्कल का हो गया सेंटर। और ये सर्कल का हो गया, देखिए अब ये जो है, ये सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल का क्या है? रेडियस आर है। रेडियस आर मतलब, अगर रेडियस आर मतलब यहाँ इतना दूरी पर कोई चीज, मतलब ये मान लीजिए कोई चीज है, ऐसे करके गोल गोल घूम रही है, ये तो सेंटर के चारों तरफ। ये मान लीजिए m कोई चीज है, m कोई चीज है, m मास वाला कोई बॉडी है, गोल 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 करके घूम रही है, बराबर गोल गोल करके घूम रही है। तो इसकी स्पीड ये मतलब ये कितना इसका वेलोसिटी है, घूमने की रफ्तार कितना तेज है? घूमने की रफ्तार मान लो वी है। V का डायरेक्शन किधर है? V का डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? किसी भी चीज का अगर डायरेक्शन, अगर किसी सर्कल में किसी भी चीज का अगर डायरेक्शन कहीं का जानना है, तो सिंपल इस पर टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। टेंजेंट उसका डायरेक्शन बताता है, ये हो गया टेंजेंट। स्पर्श रेखा यहाँ पे डायरेक्शन इसका बताता है। तो समझ लीजिए यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे भी हम टेंजेंट खींच लेते हैं, ऐसे करके टेंजेंट होगी। ये क्या होगी? इस जगह में इस मासिक बॉडी का, एम मासिक बॉडी का, यानी एम द्रव्यमान वाले पिंड का डायरेक्शन हो गया। तो उसी तरह डिस्टेंस का भी डायरेक्शन होगा, उस तरह डिस्टेंस का डायरेक्शन इधर हो गया, देख सकते हैं। हमेशा दोस्तों देखिए, डिस्टेंस और वेलोसिटी, डिस्टेंस क्योंकि रेडियस है, ये क्या है? डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। स्पर्श रेखा इधर, स्पर्श रेखा इधर, डिस्टेंस ऐसे, स्पर्श रेखा इधर, डिस्टेंस ऐसे, स्पर्श रेखा इधर, क्योंकि डिस्टेंस देखिए ऐसे और स्पर्श रेखा इधर, ऐसे रेखा देखिए, ये हो गया डिस्टेंस, ये होगा स्पर्श रेखा, ये हो गया रेडियस, ये हो गया स्पर्श रेखा। दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों के बीच एंगल देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री है। हमेशा एंगल देखिए, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। अब दूसरा देखिए, मान लीजिए कि ये जो बॉडी है, ये एम मासिक जो बॉडी है, यहां से चक्कर लगाते 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 कुछ समय बाद यहां आ गई। देखिए एम मासिक जो ये बॉडी है, चक्कर लगाते 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 कुछ समय बाद यहां आ गई, बराबर। अब यहां क्या होगा? रेडियस तो आ ही रहेगा, लेकिन रेडियस का डायरेक्शन
ये जो सर्कल है ये है क्या, इसका रेडियस, रेडियस तो आ ही रहेगा लेकिन इसका रेडियस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब पहले डायरेक्शन इधर था, इधर था, इधर नीचे था, ऐसे ऐसे देखिए इधर है डायरेक्शन, अब डायरेक्शन किधर जा रहा है, रेडियस का उधर जा रहा, उधर, समझ में आ रहा है, पहले रेडियस का डायरेक्शन इधर था अब उधर जा रहा है, इधर था अब उधर जा रहा है, समझ गए, यहाँ से चक्कर ये जो बड़ी जो है यहाँ से आके यहाँ आई तो रेडियस का डायरेक्शन उधर चल गया, उस समय इसका अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएंगे तो हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन 90 डिग्री में होगा, स्पर्श खींचो स्पर्श रेखा खींचो यानी टैंजेंट खींचो, यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन करना है, डायरेक्ट हमको टैंजेंट खींच देना है, तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट टैंजेंट खींचना है, ये हो गया वेलोसिटी। वन सेकंड दोस्तों, आपने यहाँ r, अगर डिस्टेंस r था तो वेलोसिटी v हो गया, बराबर, ये भी यहाँ 90 डिग्री होगी, हमेशा टेंजेंट मतलब रेडियस और वेलोसिटी के बीच अंतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये समझ गए, यहाँ रेडियस r था तो यहाँ वेलोसिटी v थी, क्योंकि अब देखिए यहाँ वेलोसिटी इधर जा रही है, अब यहाँ वेलोसिटी किधर जा रही है, इधर जा रही है, यहाँ वेलोसिटी इधर जाएगी लेकिन यहाँ वेलोसिटी किधर जा रही है, उधर जा रही है, यानी वेलोसिटी तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन, बोलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले इधर जा रही, इधर की डायरेक्शन देखिए पहले इधर थी लेकिन अब इधर है, तो कुछ अलग दिखाने के लिए, सिर्फ डायरेक्शन अलग दिखाने के लिए हम लोग इसको v डैश मान लिए, जिसने इसको r माने थे उसको r डैश माने थे, उसी तरह यहां कुछ एंगल बन, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, थीटा, और ये जो पूरा डिस्टेंस कवर हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये हो गई, यहां से ऐसे करके यहां गई, ये हो गई, ये जो डिस्टेंस पूरा कवर हुई इसको मान लीजिए डेल्टा, इसको काट दे दिया, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस कवर हुई इसको मान लिए हम लोग डेल्टा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुई, एक तो टाइम में चलकर ये जो बड़ी यहां से यहां आया तो डिस्टेंस कितना कवर हुई, डेल्टा, हम लोग इसको कितना मान लिए डेल्टा, मतलब कोई बड़ी यहाँ दिखे, कोई बड़ी का डायरेक्शन अब इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन डेल्टा आर का डायरेक्शन इधर है, समझ गए, अब हम लोग को यहाँ ध्यान से देखने की जरूरत है, क्या ध्यान से देखने की जरूरत है, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन देख सकते हैं, ये तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ यहाँ वाले वेलोसिटी का, बी का उधर, ऐसे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ये तो वेलोसिटी का उधर है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है उधर है, देखिए रीजन अच्छा पाने के लिए हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपको मैं ये बता रहा हूँ, प्रूव करके बता रहा हूँ कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण होती है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, दिशा किधर होती है, देख सकते हैं ये क्या थी, वेलोसिटी डायरेक्शन v, एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन है, v की डायरेक्शन, अब इस ये तो किसकी डायरेक्शन है, देखिए ये तो किस वेलोसिटी डायरेक्शन है, इस वेलोसिटी डायरेक्शन v डैश की डायरेक्शन है, यहां v डैश की डायरेक्शन, ये तो किसकी डायरेक्शन है, v डैश की डायरेक्शन, समझ में आ गया, ये हो गई v की डायरेक्शन और ये हो गई v डैश की डायरेक्शन, ये हो गई v, ये हो गया v डैश, ये हो गई v, समझ में आ गया, तो यहां जो देखिए आप एक चीज और देखने की जरूरत है, r के पैरेलल में क्या है, v डैश है, ये r जो है इसके पैरेलल में क्या है, v डैश है, और ये जो r डैश के पैरेलल में क्या है, v है, देखिए ये r और ये r के पैरेलल में, देखिए समझ में आ रही है, पैरेलल है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, यानी ए आर और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये वी और ये आर एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप देख सकते हैं जिस तरह यहां मैंने आर और आर डैश के बीच डेल्टा वी डेल्टा आर लिखा, डेल्टा आर लिखा, उसी तरह वी और वी डैश के बीच यहां क्या होगा, डेल्टा वी होगा, समझ में आ गया, यहां जैसे यहां आर और आर डैश के बीच मैंने क्या लिया, कितना दूरी कवर हुई थी, डेल्टा, उस तरह यहाँ v और v डैश के v और v डैश के बीच डेल्टा v दूरी कवर हो रही है, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते थे, जो दो पॉइंट को मिलाकर
वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना हो रहा है, दो पॉइंट को मिलाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखिए इधर है, सेंटर की तरफ, इधर क्या है सेंटर है, दो पॉइंट को मिलाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, सेंटर की तरफ है, दो पॉइंट, इसको यहां मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों को मिलाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो रहा है, दो पॉइंट को मिलाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है। तो मान लीजिए ये सी, ये पॉइंट, यहां पॉइंट है सी, ये डी और ये ई है, बराबर। तो आप देखिए दो पॉइंट को मिलाकर जब वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा सर्कुलर मोशन में, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन जब दो पॉइंट को मिलाकर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा सेंटर की तरफ, यानी सर्कुलर जो मोशन है, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना। तो दोस्तों हम लोग ने जाना कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, त्वरण का डायरेक्शन, कोई अगर पिंड किसी गोलाकार पिंड के, कोई अगर बॉडी किसी सर्कल में मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर की तरफ होगी, इसको हम लोग ने जाना। अब हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है कि जो एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है, वो कितना होती है। तो अगर त्वरण निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग ने क्या निकाला था, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या सेंटर की तरफ होती है, तो हम लोग ने किस वेलोसिटी को लिया था, इस वेलोसिटी को मान के चला था कि इस पूरा जो दो पॉइंट का वेलोसिटी है उसका जो अगर ये करना है तो सेंटर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, तो यानी ये तो वेलोसिटी को लेना होगा। हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा टाइम के लिए लेंगे, अब इसका देखिए फायदा देखिए, बहुत छोटा टाइम के लिए लेंगे त्वरण, ये हो गया एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज ही होती है एक्सेलरेशन, बहुत छोटा टाइम के लिए। अब देखिए इसको मान लीजिए एक नंबर, अब हम लोग को दूसरा चीज देखने की जरूरत है, ट्राइंगल, हम लोग देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी डी ई में देखिए, अब ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी डी ई में देखिए क्या देखिए, यहां भी एंगल थीटा है, क्यों पता है, क्योंकि ये वाला भुजा, मतलब देखिए देखिए ये वाला और ए वाला दोनों पैरेलल है, देखिए ए भी इधर जा रही है तो ए भी इधर जा रही है, ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल है, उसी तरह ए वाला और ए टू वाला भुजा दोनों पैरेलल है, समझ में आ गया, इसलिए यहां जो एंगल, यहां अगर थीटा एंगल है तो इसलिए यहां थीटा एंगल बनेगी, समझ में आ गया। तो आप देखिए मतलब ये त्रिभुज, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल देखने में एक ही जैसा है, समझे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दिखने में एक ही जैसा है, अगर जो दो ट्राइंगल दिखने में एक ही जैसा हो तो हम लोग समरूपता का नियम यहां लागू कर सकते हैं, यानी दो भुजा का अनुपात देख सकते हैं क्या होगा, जैसे देख सकते हैं इसका v और v का अनुपात, दो भुजा का अनुपात इसका v, डेल्टा v और v का अनुपात इसके डेल्टा आर बाई आर के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, समझ में आ गया, दोनों त्रिभुज समरूप है। यहां से वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डेल्टा आर बाई आर, क्योंकि डेल्टा आर एक चेंज वाला है, यहां देखिए डेल्टा आर एक चेंज वाला है। अब देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिए, अब ये क्या, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बहुत छोटा टाइम के लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, बहुत छोटा टाइम के लिए, डेल्टा वी का मान कितना है, डेल्टा वी का मान कितना है, देखिए डेल्टा वी का मान याद रखिए, वी डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी, अब सीधे वी और आर कांस्टेंट है, जब वी आर आर कांस्टेंट है तो दोनों वी आर, अगर आर कांस्टेंट है, वी और आर क्या है कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, इसे लिमिट ले लीजिए, हम लोग बहुत छोटा टाइम के लिए निकाल रहे हैं,
डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। आप देखिए छोटा टाइम का फायदा क्या है, फायदा क्या है, देखिए हम लोग किसी छोटा टाइम का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, अगर हम लोग छोटा टाइम का निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। हम लोग छोटा टाइम का निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा कवर करेगा, छोटा टाइम में बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, बराबर, क्योंकि यह टाइम जीरो की तरफ जा रहा है, छोटा टाइम में बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगा। तो हो गया, देखिए छोटा टाइम में छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, इसलिए किसी समय इसकी वेलोसिटी क्या किसके बराबर हो जाएगी, इसलिए किसी समय देखिए बहुत छोटा टाइम में डिस्टेंस कितना कवर की, बहुत छोटा टाइम में जो इसलिए वेलोसिटी वी के बराबर हो जाएगी, देखिए बहुत छोटा टाइम के लिए, देखिए बहुत छोटा टाइम के लिए जो डिस्टेंस डेल्टा टी, ये जो चीज वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी इस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, इसलिए इतना का मान हम लोग इतना रख सकते हैं, ये वी रख सकते हैं, इसलिए ए इज इक्वल टू वी आर इंटू आर इंटू वी, इसलिए ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसलिए हम लोग को एक्सेलरेशन कितना होगा अभी केंद्रीय त्वरण के लिए से कितना होगा एक्सेलरेशन, इतना होगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसलिए अभी केंद्रीय त्वरण के लिए अभी केंद्रीय त्वरण का मान कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी केंद्रीय त्वरण के लिए एक्सेलरेशन का मान, अभी केंद्रीय त्वरण का मान कितना होगा वी स्क्वायर बाई आर, वी क्या है, वी है कितना स्पीड से ये घूम रही है, इसकी वेलोसिटी कितना है, और आर क्या है, आर क्या है इसका जो जिस सर्कल में ये गोल गोल करके घूम रही है उसका रेडियस, जिस सर्कल में ये गोल गोल करके घूम रही है उसका रेडियस क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं इतना मिल गया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि किसी चीज को गोल 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 घुमाने के लिए कितना ताकत चाहिए, जैसे आप क्या किए एक रस्सी, इसमें एक रस्सी बांध दिए, मान लीजिए इसमें एक रस्सी बांध करके गोल गोल करके घुमाना है तो कितना ताकत लगेगा इसको गोल गोल करके घुमाने के लिए, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू फोर्स निकालना चाहते हैं तो एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या निकला था, अभी केंद्रीय त्वरण क्या निकला था वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, इसलिए किसी पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, लगने वाला गोल गोल घुमाने वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितना क्या है, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग का इतना हो गया। अब हम लोग ने इसको सर्कुलर मोशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, अब हम लोग को जरूरत है कुछ न्यूमेरिकल करने का, जिससे हम लोग का और भी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मजबूत हो जाए जानकारी, तो चलिए हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल देखिए, एक नंबर देखिए, एक नंबर देखिए, मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल है, इसका रेडियस है 5 मीटर, यहाँ कुछ कोई कोई एम मास ही बड़ी है, इसका जो मास है कितना है वह है 10 kg, बराबर एम मास ही बड़ी है, इसका मास कितना है 10 kg, और ये घूम रही है, वेलोसिटी इसका घूमने का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितना है इसके पास, इसका पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घूम रही है, जो घूम रही है ना तो उसके घूमने की रफ्तार कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड करना है कि इसको घुमाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, एफ सेंट्रीपिटल घुमाने के लिए कौन फोर्स लगती है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है घुमाने के लिए, कितना फोर्स लगेगा हम लोग को इसके बारे में जानना है कि किसी चीज को घुमा, जो पांच इसका रेडियस कितना है 5 मीटर त्रिज्या के गोले, मतलब त्रिज्या में ये घूम रही, त्रिज्या वाले वृत्त में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, तो इसको घुमाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, तो गिवन दैट जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग को यहाँ उसको लिखना है, रेडियस कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, इसलिए मास कितना दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर जब पर सेकेंड दिया हुआ है तो हम लोग को क्या पूछा है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, तो इसलिए बोलेंगे डीआर फोर, इसलिए हम लोग को एफ सेंट्रीपिटल पता है,
क्या होता है सेंटीमीटर एम वी स्क्वायर बाई आर इतना होता है। अब सबकी वैल्यू यहां रख देंगे, सबकी वैल्यू जब यहां रख देंगे तो मास कितना हो जाएगा 10 केजी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी तो होगी, अब रेडियस कितना है 5, आप देखिए 10 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 5, 5 दुनी 10, 5 दुनी 10, ये 5 कर गई, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, इतना न्यूटन का 800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसको घुमाने के लिए, समझ में आ गया। इतना द्रव्यमान का 10 केजी द्रव्यमान का गोला को 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 5 की 5 मीटर वाला अगर त्रिज्या वाले गोला में घुमाओगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये रहा एक तो क्वेश्चन। अब बोलिए, अब बोला गया है कि मान लीजिए इतना चारों तरफ घूम रही है, इसके चारों तरफ ये घूम रही है, मान लीजिए इसके चारों तरफ ये घूम रही है, तो बोले कि ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना लगा हुआ है। यहाँ भी मान लीजिए यहाँ कोई बड़ी है, यहाँ कोई बड़ी है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, यहाँ कोई बड़ी है, इस बड़ी के ग्रेविटेशनल के कारण ये घूम रहा है, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो दोस्तों आपको यह समझने की जरूरत है कि कोई भी जो बड़ी मान लीजिए सूरज जो मतलब सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी घूम रही है तो उस पर सूरज सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, यानी ग्रेविटी फोर्स के जरिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, इस कारण घूमती है ये पृथ्वी। इसलिए बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से है, इसलिए जब डायरेक्ट ये बोला जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 800 न्यूटन होती है। समझ में आ गया, आपको ये भी नोट डाउन करने की जरूरत है, समझ में आ गया। अब इससे और एक चीज निकलता है, चूंकि आप देखिए और एक चीज मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, आपने जाना कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है, तो देखिए मान लीजिए यहां कोई एम द्रव्यमान वाला कोई मास वाला पिंड है, एम m1 द्रव्यमान वाला, और यहां दूरी पर ये पिंड इतना छोटा पिंड है, ये m बड़ा मास वाला और ये छोटा मास वाला पिंड है, ये चारों तरफ घूम रही है, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स g m m / इसका रेडियस है r, तो होगी r² ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर इसका अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जानना चाहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगी m v² / r, क्योंकि जो पिंड घूम रही है उसका मास देना है, उसका वेलोसिटी v वेलोसिटी से घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है, इसलिए दोनों को हम लोग रख देंगे, बराबर कर देंगे m v² / r बराबर, यहां m कट जाएगा, m कट जाएगा, यहां क्या होगी जी एम बाई आर बाई वी स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहां से वेलोसिटी किसी पिन के चारों तरफ अगर घूम रही है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला हम लोग को यहां मिल गया, समझ रहे। कोई जैसे सूरज का मास अगर यहां रख देंगे और सूरज से पृथ्वी की दूरी रख देंगे तो पृथ्वी का वेलोसिटी घूमने का वेलोसिटी कितना है, बराबर सूरज का मास रख देंगे और सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना है उसको रख देंगे तो पृथ्वी कितना स्पीड से सूरज के चारों तरफ घूम रही है आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा।